अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे प्रूव डैट स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इरेशनल। यानी प्रूव करना है जो कि टू का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है कि वो हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इरेशनल नंबर है, तो हम उसके अगेंस्ट बात करते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं कि नहीं नहीं स्क्वायर रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है। जब हम उसके खिलाफ बात करते हैं, उसके उलट चलते हैं, उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो कैसे प्रूव करेंगे? सपोज कर लेंगे, सपोज इफ पॉसिबल, मुमकिन तो नहीं है लेकिन हम जिद कर रहे हैं, इसलिए सपोज इफ पॉसिबल लिख लेंगे। स्क्वायर रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम सपोज करते हैं सपोज इफ पॉसिबल स्क्वायर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो अब हमें कहा है कि जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि हमें फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी रैशनल नंबर को आप लिख सकते हैं एस पी ओवर क्यू। किसी भी रैशनल नंबर को आप लिख सकते हैं एस पी ओवर क्यू। तो फिर लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स पी एंड क्यू। अगर तो स्क्वायर रूट ऑफ टू रैशनल नंबर है तो फिर इसका मतलब है कि देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स पी एंड क्यू सच डैट। तो स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। अगर तो स्क्वायर रूट ऑफ टू रैशनल नंबर है तो फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ टू का हम लिख सकते हैं एस पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू डिवाइड हो रहा है, क्यू डिनोमिनेटर में है, इसलिए कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर में हो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फर्दर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी ओवर क्यू इंटीजर्स हैं एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यानी ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो पी और क्यू में ये अपने जेन में रखें कि जब भी कोई रैशनल नंबर होता है उसमें पी और क्यू इनमें कोई भी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब देखते हैं तो स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्यू को, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। तो क्या बन जाएगा? पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स क्यू। तो q को स्क्वायर रूट ऑफ टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू। आप क्या करें? दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू q और स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया, ये p स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया 2q स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 बन जाएगा 2q स्क्वायर। अब ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? इवन नंबर है, 2q उसके लिए इवन नंबर है। कैसे पता चला इवन नंबर है? इसलिए ये 2 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो इवन नंबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज 2q स्क्वायर इज इवन नंबर। दिस इम्प्लाइज जो राइट हैंड साइड है 2q स्क्वायर इज एन इवन नंबर। कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। तो 2 को क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर।
तो यहाँ तो आपने देखा जो पी एस के है वो जो चल रहे हैं पी एस के इज एन इवन नंबर। अब देखें ये वो देखें यहाँ पर वन स्केयर इज इक्वल क्या होता है वन और टू स्केयर इज इक्वल क्या होता है फोर। वन का स्केयर वन है और टू का स्केयर फोर है। इस तरह थ्री स्केयर इज इक्वल क्या होता है नाइन और फोर स्केयर इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो वन स्केयर इज इक्वल टू वन, वन आर नंबर है, आर नंबर का जो स्केयर है वो आर नंबर है, टू इवन नंबर है, टू स्केयर इज इक्वल टू फोर भी इवन नंबर है, थ्री आर नंबर है तो इसका स्केयर नाइन ये भी आर नंबर है, फोर इवन नंबर है और फोर का स्केयर सिक्सटीन ये भी इवन नंबर है। इस फाइव स्केयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और सिक्स स्केयर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। अब देखें वन थ्री फाइव ये वाले आर नंबर हैं, वन थ्री फाइव आर नंबर हैं, उनके जो स्केयर हैं वन नाइन ट्वेंटी फाइव ये भी आर नंबर हैं। तो क्या पता चला जो आर नंबर के स्केयर आर नंबर होते हैं, आर नंबर के स्केयर आर नंबर होते हैं। इस तरह टू फोर सिक्स ये वाले इवन नंबर हैं, उनके जो स्केयर हैं फोर सिक्सटीन थर्टी सिक्स ये वाले भी इवन नंबर हैं। तो क्या पता चला जो इवन नंबर के स्केयर इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर के स्केयर इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं पी स्केयर इज एन इवन नंबर, तो पी स्केयर इवन नंबर है इसका मतलब है जो पी है वो भी इवन होगा, पी इज एन इवन नंबर। तो चूंकि पी स्केयर इवन नंबर है इसका मतलब पी भी इवन होगा क्योंकि इवन नंबर का स्केयर इवन होता है। अब पी इवन नंबर है इसका मतलब पी या कोई भी इवन नंबर टू का मल्टीपल होता है, कोई भी इवन नंबर टू का मल्टीपल होता है। पी का हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू टू टाइम्स सम अदर इंटीजर। तो कोई भी जब इवन नंबर होता है वो टू का मल्टीपल होता है तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू टाइम्स अदर वेयर के इज एन इंटीजर, वेयर के इज एन इंटीजर। तो किसी भी इवन नंबर को हम लिख सकते हैं एज टू टाइम्स सम अदर इंटीजर। जैसे इवन नंबर फोर है तो फोर का हम क्या लिख सकते हैं टू टाइम्स टू, टू टाइम्स टू। सिक्स इवन नंबर है इसका लिख सकते हैं टू टाइम्स थ्री, एट इवन नंबर है इसका हम लिख सकते हैं टू टाइम्स फोर। तो कोई भी इवन नंबर जो होता है वो टू का मल्टीपल होता है। फोर इज टू टाइम्स सम अदर इंटीजर, सिक्स इज टू टाइम्स सम अदर इंटीजर, एट इज टू टाइम्स सम अदर इंटीजर। तो पी इवन नंबर इसे हम लिख सकते हैं पी इज टू टाइम्स सम अदर इंटीजर। अब जो पी अब क्यू हमने शुरू में क्या देखा था ये देखें पी इज इक्वल क्या है स्क्वायर रूट ऑफ टू, टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो यहाँ पर पी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है टू के, पी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है टू के। तो पी का हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर किसके साथ टू के साथ। तो यहाँ पर पुट कर दें पी इज इक्वल टू के, टू के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू। तो क्या बन जाएगा ये देखें पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू और क्यू है ये वाला। तो इसको यूं लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू इज इक्वल टू पी। मैं इस साइड को इधर लिख लिया, इस साइड को इधर लिख लिया। अब दोनों साइड का स्के अब पी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू इज इक्वल टू पी को क्या पुट कर दें टू के, पी को पुट कर दें यहाँ पर टू के। अब फिर दोनों साइड का स्केयर ले लें, जब भी स्केयर रूट आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्केयर ले लेते हैं टू के स्केयर, दोनों साइड का स्केयर ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा टू क्यू स्केयर, ये बन गया फोर के स्केयर। अब फिर दोनों साइड पर टू के साथ डिवाइड कर दें टू के स्केयर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फोर के स्केयर डिवाइड बाई टू। तो टू टू के साथ कैंसिल हो गया क्यू स्केयर रह गया, तो क्यू स्केयर इज इक्वल टू ये टू फोर ज़ार टू टू ज़ार फोर तो ये बन गया टू के स्केयर। अब क्यू स्केयर इक्वल टू के स्केयर है तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है जो टू के स्केयर है वो क्या है इवन नंबर है, इज एन इवन नंबर। तो टू के स्केयर इस जगह टू का मल्टीपल है तो कोई भी नंबर जो टू का मल्टीपल तो वो क्या होता है इवन नंबर होता है। टू के स्केयर इज एन इवन, और टू के स्केयर किसके केवल है क्यू स्केयर के केवल है, इसका जो क्यू स्केयर है वो भी इवन नंबर होगा।
तो क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर, क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर। तो क्यू इवन नंबर है तो कोई भी इवन नंबर होता है वो फिर टू का मल्टीपल होता है। क्यू स्क्वायर इवन नंबर है तो कोई भी इवन नंबर होता है वो क्या होता है, टू का मल्टीपल होता है। या इवन नंबर के स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो फिर क्यू भी इवन होगा। हमने देखा था कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वह नंबर खुद भी इवन होता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन हो तो वह नंबर खुद भी इवन होता है। जैसे फोर का स्क्वायर 16 होता है तो 16 इवन नंबर है, फोर भी इवन नंबर है। टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर इवन नंबर है, टू भी इवन नंबर है। तो क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर, इसका मतलब क्यू भी इवन होगा। क्यू इज एन इवन नंबर। तो क्यू इवन नंबर है फिर क्या इसका क्या मतलब है कि टू का जो टू क्यू जो है वो टू का मल्टीपल होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स सम अदर इंटीजर। कोई इंटीजर लिख लें, आर लिख लें, टू आर, वेयर आर इज एन इंटीजर, आर इज एन इंटीजर। तो क्यू स्क्वायर इवन नंबर है तो किसी नंबर का स्क्वायर इवन है इसका नंबर खुद भी इवन होगा। तो क्यू इज एन इवन नंबर क्योंकि इवन नंबर के स्क्वायर इवन होते हैं। तो क्यू इवन नंबर है तो हमें पता है कि जो कोई भी इवन नंबर होता है वो टू का मल्टीपल होता है। इसका मतलब है क्यू इज इक्वल टू आर, फिर आर इज एन इंटीजर। तो ऊपर आपने क्या देखा था, पी इज एन इवन इंटीजर, इवन नंबर। ऊपर आपने देखा था पी इज एन इवन नंबर, पी इज इक्वल आपने देखा टू के। तो पी जब वो भी टू के है वो क्यूब टू आर है। अब देखें यहाँ पर देखें, हमने अंडर रूट टू क्या लिखा था, पी ओवर क्यू, यह हमने लिखा अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। अब अंडर रूट टू इज इक्वल टू, तो पी का हमने क्या देखा, फाइंड किया हमने टू के, पी के वाली वैल्यू हमने क्या फाइंड किए थे टू के, और क्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया टू आर। इसका मतलब है जो पी और क्यू हैं उनमें एक कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर है टू का। पी एंड क्यू हैव, पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू, पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू। तो ऊपर हमने क्या सपोज किया था, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन, यह सपोज देखा था हमने। ऊपर हमने ये देखें पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। शुरू में हमने लिखा था पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो यहाँ पर हमने इसको प्रोसीड किया तो हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या हमारे पास रिजल्ट निकला है, पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू। पी इज इक्वल टू के है, क्यू इज इक्वल टू आर है, तो पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू। तो ऊपर तो हम कह रहे थे कि पी और क्यू में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि वन के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है वो टू है। इसका क्या मतलब है, हमने जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था, जो स्क्वायर रूट ऑफ टू है वो रैशनल नंबर है, इससे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। शुरू में मैंने सपोज किया था, अपनी मर्जी की थी, ज़िद की थी कि जो स्क्वायर रूट टू है वो रैशनल नंबर है। जब हमने उसको स्क्वायर रूट ऑफ टू को रैशनल नंबर लिखा है तो हमें पास क्या रिजल्ट मिला है कि जो रैशनल नंबर है उसमें तो वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि पी और क्यू में वन के अलावा एक और कॉमन फैक्टर टू मौजूद है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि स्क्वायर रूट टू रैशनल नंबर है वो गलत सपोज किया था। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था, जो हम सोच रहे थे कि स्क्वायर रूट टू ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, वो अब गलत सोच रहे थे। हैंस स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो यू हमने स्पोर्ट कर दिया। तो अवर सपोजिशन जो रॉन्ग है, अवर सपोजिशन ये थी कि स्क्वायर रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है। तो इसका हम लिख सकते हैं एस पी ओवर क्यू। तो जब पी ओवर क्यू लिखा हुआ है इसमें P
पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, बोथ पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू अदर देन वन, वन के अलावा भी कॉमन फैक्टर है टू है, इसका मतलब है कि हमारी जो सपोजिशन थी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ टू रैशनल नंबर है वो गलत थी। तो बस सपोजिशन डेट स्क्वायर रूट ऑफ टू इज रैशनल नंबर वो रॉन्ग है, तो दुरुस्त स्टेट क्या होगी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ टू वो इरैशनल नंबर है, दुरुस्त क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू इज एन इरैशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं वो भी आकर पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।